गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? फाइन। हाउ आर यू ऑल बेटा? Good. Good. Please start your videos, everyone. Sir, please give me permission of the name. Okay, beta. Okay, I'm giving. So we were doing, have we started the chapter rounding numbers? Sir, you are explaining, then the class is over. Yes, sir. Yeah, I was explaining you the concept of place values. प्लेसेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। सर, वी आर डूइंग 16 चैप्टर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। Okay, so chapter 10, we were only discussing the basic concept of the chapter. मैंने आपको बस so yesterday you were explaining us rounding number. Yes. So all of you, one more time, I will ask you some questions related to this. मैं एक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ first of all. So this is a number that I have written on the board. Can you tell me which digit in the number? Which digit is at the 10,000th place? Raise your hand, those who know which digit in the given number is at the 10,000th place. Okay, Vivek, can you tell? 10,000th place पे कौन सा डिजिट है? Not 45, केवल एक ही डिजिट है बेटा, 4. फोर, द डिजिट 4 इज एट 10,000th प्लेस। ठीक है, पता है आपको? 1 यहाँ पर क्या है? 1 की पोजीशन क्या है? 1 इज एट द यूनिट्स प्लेस। यूनिट्स प्लेस मालूम है आप लोगों को? वन्स प्लेस या यूनिट्स प्लेस एक ही बात होती है। 9 इज एट द 10th प्लेस। 2 इज एट, 2 जो डिजिट 2 है दैट इज एट 100th प्लेस। 5, डिजिट 5 इज एट 1000th प्लेस। 4 is at 10,000th place and 3 is at 1 lakh place. ये सब आपको पता है बेटा पहले से बच्चों? Yes sir. Yes sir. Okay. तो ये चीज बहुत काम आएगी अभी जब हम questions करेंगे। ठीक है, let us start. Exercise, it is to be done in the book only, the whole exercise. Exercise 10.1. Okay, I hope you have done this before also in your previous classes also. Kara hua hai aapne? Yes. So the number is 62. We have to round off the number to nearest 10. Kya karna hai? 60.
नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। वेरी गुड, आप लोगों को तो पहले से पता है। बस एक चीज ध्यान रखना, मेरी बात सुनना, कभी मिस्टेक नहीं होगी बेटा। एक बार सुन लो, पूरा चैप्टर खत्म कर दोगे, ऐसी हवा में उड़ा दोगे, ठीक है? जस्ट वेट, बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। Sir, we have to do the book. Yes, yes, we have to do it in the book. Wait, wait, मैं अभी बता रहा हूँ बेटा। I will tell you a method, proper method कैसे करते हैं। Okay. ओके ऑल ऑफ यू, तो क्या ट्रिक है? देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ। पहले मुझे ये बताइए, नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100 में करना है, या नियरेस्ट 1000 में करना है? क्या लिखा है क्वेश्चन में? नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10, तो नियरेस्ट 10। अब आपको जब नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने को बोला जाएगा, तो आपका फोकस होगा वंस प्लेस वाली डिजिट पर। कहां पर होगा फोकस? वंस प्लेस पे जो डिजिट है। अगर नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने को बोला जाएगा, तो कहां पर होगा फोकस? टेंस प्लेस वाली डिजिट पे, ठीक है? एक एक डिजिट पीछे आ जाना। अगर 100 नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करने को बोलेंगे, तो टेंस प्लेस वाली डिजिट को पकड़ लेना। अगर नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करने को बोलेंगे, तो कौन सी डिजिट पकड़ोगे? सर 100। हंड्रेड्स प्लेस वाली, वेरी गुड वेरी गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हैं। नियरेस्ट 1000 पे अगर राउंड ऑफ करने को बोलेंगे, तो आप हंड्रेड्स प्लेस वाली डिजिट को पकड़ लेंगे, ठीक है? ऐसे ही अगर नियरेस्ट 10,000 पे राउंड ऑफ करना होगा, तो क्या करोगे? थाउजेंड्स प्लेस वाली डिजिट को पकड़ लोगे, ठीक है? So, यहाँ पर नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है। इन दिस क्वेश्चन कौन सी डिजिट को पकड़ लिया हमने? वंस प्लेस वाली डिजिट को। क्या लिखा है वंस प्लेस पर? देखो सर, टू लिखा है। अब आपको ये सोचना है, ये जो टू है, ये स्मॉलर देन फाइव है या नहीं है? दिस इज लेस देन फाइव? यस सर। सोचो, दिमाग में सोचना है, ये कॉपी में नहीं लिखना है। टू इज, दिमाग में सोच लिया हमने, टू इज लेस देन फाइव, है ना? दिमाग में सोच लेंगे, है ना? फाइव से छोटा, यस। तो आपको टू को हटा देना है, टू को फेंक देंगे यहाँ से, और टू की जगह ले आएंगे जीरो। अगर टू फाइव से छोटा है, तो टू को उठा के फेंक दो, ऐसे ही कोई काम नहीं है टू का, बस टू की जगह जीरो लगा देंगे, आंसर हो गया। अगर डिजिट जो है वंस प्लेस वाली डिजिट फाइव से छोटी नहीं है, फाइव से छोटी कब नहीं होती है जरा बताओगे मुझे? कौन सी डिजिट फाइव से छोटी नहीं होती है? डिजिट इज नॉट स्मॉलर देन फाइव, नॉट लेस देन फाइव, यानी कि फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सिक्स सेवन एट नाइन नहीं, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो जब भी डिजिट, लास्ट डिजिट आपकी वंस प्लेस वाली डिजिट जो है वो फाइव सिक्स सेवन एट या नाइन होगी, तो आप लास्ट में जीरो तो लिखेंगे, लेकिन टेंस प्लेस वाली डिजिट में प्लस वन कर देंगे। आगे बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट को देखो, व्हाट इज द नंबर गिवन? 75। कौन सी डिजिट को पकड़ेंगे? वंस प्लेस वाले डिजिट को। क्या लिखा है वंस प्लेस पे? फाइव।
Is this smaller than 5? क्या ये digit ones place वाले digit 5 से छोटी है? No, it is not smaller. तो zero तो बनाएंगे इसकी जगह, लेकिन tens place वाली digit में 1 add कर देंगे. क्या मिल गया? 8 मिल गया. आंसर हो गया 80. बताइए बच्चों को समझ में आ गया? Yes sir, easily. Very good. Can you tell me the answer of the third part? Third part का आंसर बताओ. छोटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस वाली डिजिट में 1 ऐड कर देंगे और लास्ट में 0 लगा देंगे. आंसर क्या हो गया? 390. ओके, सो आई एम गिविंग यू 124 seconds for doing all the parts of this question in the book. सारे parts का answer book में लिखिए. Sorry बेटा, विवेक क्या कह रहे हो? I am already done. Already done, very good. चलो बाकी बच्चे करिए.
Have you all done the first question? Question A, all the parts? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So I'm orally sending you the telling you the answer. You all will check your answers. मैं सारे answers एक बार बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है? Check करो. First three parts तो मैंने board पे करी थी, बता दिया आपको. Third वाले का answer है 390. Fourth one the answer is 430. Fifth one the answer is 790. Sixth one the answer is 100. 9 में plus 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 10. So answer बन जाएगा 100, ठीक है? Seventh one the answer is 2380. Yes, 2380. Eighth वाले का आंसर है बेटा 630. Ninth one, the answer is 4570. 4570. 4570. Tenth one, the answer is 1670. 1670. 1670. 11th one, the answer is 2560. 2560. 2560. 12th question, last part. Answer is 9340. 9340. कौन से बच्चे के सारे आंसर सही हैं? बताइए. Me. Sir, my. Sir, my. All answers are correct. Sir, my. All are correct. Very good. Very good. तो जो बच्चों के आंसर सही हैं उन सबको मेरी तरफ से एक प्राइज मिलेगा. आर यू ऑल रेडी? प्राइज के लिए रेडी हैं आप लोग? यस सर. वेरी गुड बेटा. विवेक एंड एवरीवन, आद्रिका, गर्व, अवनी, ऑल द स्टूडेंट्स, डू यू ऑल लाइक पिज्जा? पिज्जा पसंद है आप लोगों को? Yes, sir. Very good. Domino's extra cheese pizza. Do you like extra cheese burst pizza? Domino's? Yes, sir. Very good. ठीक है, आप सबको मिलेगा मेरी तरफ से Domino's का लार्ज साइज चीज बर्स्ट पिज्जा खिलाने का मौका मुझे. आपको मिलता है डोमिनोज का लार्ज साइज चीज बस पिज्जा खिलाने का मौका मेरे को. कब खिलाओगे बताओ? बताइए बेटा कब खिलाएंगे आप लोग? टेल मी. इतना अच्छा प्राइज मिला है, इतना अच्छा प्राइज मिला है. धोनी को हंसी आ रही. Did you like your prize or not? Did you like your prize? Yes, sir. Very. Very nice, na? Yes, कितना अच्छा. मैं सारे बच्चों को इतने अच्छे prizes देता हूँ. सबको अलग अलग इतने अच्छे अच्छे prizes मिलते हैं. सारे बच्चे इतने खुश हो जाते हैं. बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझे पिज्जा खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं. तो इतना अच्छा prize मिला है. देखो धोनी को अभी तक हंसी आ रही है. चलो बेटा, आई वॉज जोकिंग, मैं मजाक कर रहा था. डोंट टेक इट सीरियसली. आप लोगों को मुझे पिज्जा खिलाने की जरूरत नहीं है, बर्गर खिला देना. चलिए क्वेश्चन बी. गर्व बेटा, डिड यू लाइक योर प्राइज और नॉट? गर्व टेल मी बेटा, गर्व डिड यू लाइक? वेरी गुड, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट गर्व. राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100. क्वेश्चन बी, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है.
कौन सी डिजिट को देखेंगे हम लोग, कौन सी डिजिट पे फोकस करें? हाँ, अरे वाह, वेरी गुड. वी विल लुक एट द डिजिट विच इज एट द टेंथ प्लेस. फर्स्ट पार्ट 68 इज द नंबर. विच इज द डिजिट एट द टेंथ प्लेस? क्या दिख रहा है? स्मॉलर देन 5 है. ये स्मॉलर देन 5 है या नहीं है? नो सर, नो, नॉट स्मॉलर देन 5. तो हम आगे बढ़ जाएंगे, लास्ट में दो जीरो घुसेड़ देंगे. एंड 6 से पहले यहाँ पर क्या है? 6 से पहले क्या था? 0 था, am I right? तो 0 की जगह क्या बन जाएगा? 1. आंसर हो गया 100. क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर. सेकंड पार्ट देखो बेटा, 369 डिजिट बताओ टेंस प्लेस पर कौन सा है? सर अगेन सिक्स. अगेन सिक्स. सिक्स तो फिर से भाई कितनी बार भी कर लो सिक्स के ऊपर रिसर्च, सिक्स हमेशा फाइव से बड़ा ही रहेगा. इट इज नॉट स्मॉलर देन 5. तो सिक्स से पहले वाले डिजिट इज 3. डबल जीरो लास्ट में आ जाएंगे, 3 को बना देंगे 4. आंसर क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर. डू ऑल द पार्ट्स, स्टार्ट डूइंग. आई एम गिविंग यू 129 सेकंड्स नाउ. 129 seconds to do all the parts of this question.
Beta, have you all done? Yes, sir. Done. Okay, I am telling the answers. Check your answers, all of you. Sir, please tell the answers. Yes, beta. I'm telling the answers. Check it. Check your answers. Third one. The answer is 100. Fourth one. The answer is 800. Fifth one. The answer is 600. Seventh one. The answer is 2400. Sixth one. The answer is 2400. Seventh one. The answer is 5700. Eighth one. The answer is 8100. Eighth wale ka answer hai 8100. Ninth one. The answer is 3400. Tenth one. The answer is 6400. 6400. 11th one, the answer is 2300. 2300. And last one, 12th one, the answer is 800. 800 is the answer. Sare sahi hain, beta? Yes, sir, all correct. Yes, sir, all correct. Very good, excellent. Maja hi aa gaya. Very nice. So again, आप सबको एक प्राइज मिलेगा बेटा. आईफोन का लेटेस्ट मॉडल कौन सा आया है? iPhone 12 Pro Max. Oh my God. तो आप सबको मेरी तरफ से. हाँ बेटा बताओ. आप सबको मेरी तरफ से iPhone 12 Pro Max का बॉक्स. सर इट इज ऑफ 1 लाख का बॉक्स मिलेगा सर. आप लोग एक्साइटेड हैं गाइस? अच्छा नहीं, सच में असली का मैं आपको दूंगा. आई बिल्कुल असली का आईफोन 12 प्रो मैक्स का वीडियो का लिंक मैं आपको सेंड करूंगा सारे बच्चों को, ठीक है? अच्छा प्राइस है बेटा. डिड यू ऑल लाइक योर प्राइस? यस सर. वेरी गुड. लेट्स डू द सी क्वेश्चन. बेटा नियरेस्ट 1000 में करना है राउंड ऑफ, कौन सी डिजिट पे फोकस करेंगे? सर 100. वेरी गुड. मुझे तो लगता है बच्चों को पहले से ही आ गया है. Am I right? Yes, sir. शुरू हो जाओ फिर आंसर्स निकालो बेटा. स्टार्ट डूइंग. मुझे फर्स्ट पार्ट बताने की जरूरत है? नो सर. नो. चलिए करिए फिर आप लोग फाइंड द आंसर्स जल्दी से. यू आर गेटिंग 133 सेकंड्स.
Yes, all of you done the questions. Excuse me, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Yes.